राजस्थान अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 21 में, हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के तत्वाधान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित 21 दिवसीय शीतकालीन प्रशिक्षण किसानों की आय बढ़ाने के लिए संभावित शुष्क बागवानी फसलों में तकनीकी हस्तक्षेप का समापन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें देश के 9 राज्यों के प्रशिक्षणार्थी, भारतीय किसान अनुसंधान परिषद के संस्थानों, विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केंद्रों के 22 कृषि वैज्ञानिकों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो प्रदान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बलराज सिंह, माननीय कुलपति करण श्री नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर रहे हैं। राजस्थान में जयपुर और आसपास का क्षेत्र बागवानी की खेती में विकसित सुरक्षित खेती प्रौद्योगिकी को अपने से राजस्थान में जयपुर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षित खेती के माध्यम से फलों और सब्जियों की फसलों उत्पादन में नया आयाम गढ़ रहा है। किसान सूचक क्षेत्र में भी पॉलीहाउस ग्रीन हाउस से सब्जी उत्पादन करके अपनी आमदनी दुगनी तिगुनी कर सकता है। संस्था के निदेशक डॉ. जगदीश राणे ने मुख्य अतिथि डॉ. बलराज सिंह का स्वागत किया तथा सभी वैज्ञानिकों को शीतकालीन पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक समाप्ति पर बधाई दी। और आज हम इस गांव में हमारे मास्टर्स, पीएचडी और यूजी के बच्चों को लेकर के आए थे ताकि उन बच्चों को बताएं